हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएन केस किचन। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इडड़ा की रेसिपी। सूरत की इडड़ा बहुत ही फेमस है, जिसे हम आसानी से अपने घर में बना सकते हैं, जिसे हम वाइट ढोकला भी कहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं और इसके साथ खाई जाने वाली चटनी भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ली है 2 कप राइस, 1 कप उड़द की दाल और 1 टीस्पून मेथी। आप कोई भी चावल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को अच्छे से धो के और 6 घंटे के लिए भिगो के रखा है, और जो चावल हमने धो के भिगो के रखे हैं उसी में हम लोग मेथी के दाने ऐड कर देंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग 6 घंटे के लिए भिगोएंगे। तो मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से भीग जाएं, इसमें सोख हो जाएं, और हम ढक्कन लगा देंगे और इन्हें 6 घंटे के लिए रख देंगे। तो आपको मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, 6 घंटे के बाद अच्छे से चावल और दाल दोनों अच्छे से फूल गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो दाल हमने भिगो के रखी थी उसका पानी निकाल देंगे और इसका हम लोग स्मूथ पेस्ट बना देंगे। एकदम इजी मेजरमेंट में आपको बता रही हूँ, इसको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे ढोकले घर पे बना सकते हैं। तो दाल का स्मूथ पेस्ट तैयार है, इसे मैं एक बर्तन में निकाल दूँगी। और जो चावल हमने भिगो के रखे हैं, और फ्रेंड्स उसे मैंने डाला है 1 टीस्पून मेथी का दाना। आप उतना ही डालें, इससे ज़्यादा इसमें मेथी दाना ना डालें, लेकिन डालना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चावल का भी हम लोग स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया स्मूथ पेस्ट तैयार है। तो इन दोनों मिक्सचर को हम लोग मिक्स कर देंगे। तो एक बड़े बर्तन में मैंने इनको निकाला है और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसको हमें रखना है फर्मेंटेशन के लिए। तो गर्मी है तो आप 3 से 4 घंटे रखेंगे तो भी इनफ है, लेकिन सर्दियां हैं तो आप इसे गर्म जगह पे रखें और कम से कम 6-8 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए आप रखें। थोड़ा मुझे ये बैटर गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर आप 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से चला लें। तो आप देख सकते हैं स्मूथ बैटर तैयार है। तो इसे हम लोग ढक्कन लगा के 6 से 8 घंटे के लिए रख देंगे, और अगर समय है तो आप ओवरनाइट रख दीजिए और सुबह नाश्ते में आप इसे बना सकते हैं। तो 6 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से फूल गया है, बहुत ही अच्छे इसमें फर्मेंटेशन हो गया। आप देख सकते हैं इसकी झाली, आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें हमें ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिर्फ इसमें जाएगा नमक, और हम डालेंगे इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्वाद अनुसार मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और 1 इनो का पैकेट पूरा। इस जो नाप मैं आपको बता रही हूँ उसमें पूरा 1 पैकेट इनो जाएगा। तो पूरा पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ, और साथ में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून तेल डालें, इससे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। और इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही वाइट, बहुत ही फ्लफ़ी बैटर हमारा तैयार है। तो इससे आप जो इडड़े बनाएंगे, जो सूरत में मिलते हैं, गुजरात के फेमस इडड़ा भी हम कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं आपके साथ ढोकलों की रेसिपी और नायलॉन खमन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और उसका बहुत ही अच्छा आपकी तरफ से फीडबैक आया है। तो इस रेसिपी को भी ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैंने एक प्लेट पे तेल लगा दिया, अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम डालेंगे सिर्फ थोड़ा सा बैटर। इसमें हम बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बहुत पतले बनते हैं, बहुत ठीक नहीं बनता। ऐसे बहुत बड़े हम लोग नहीं बनाएंगे, पतले पतले इडड़े बनते हैं, इस तरह से हमें बनाना है। तो बहुत पतली सी लेयर हम इस बैटर की करेंगे, और उसके ऊपर इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है फ्रेंड, इसे डालना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ मैंने डाल दिए काली मिर्च का पाउडर, और इसे हम रखेंगे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। इसे हमें स्टीम करना है, तो 15 मिनट के लिए तेज आंच पे, बिल्कुल इसे खोलना नहीं है। और 15 मिनट के बाद बिल्कुल आपके इडड़ा, या हम कह सकते हैं ढोकले, आपके तैयार होंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं, समय इनमें ज़्यादा नहीं लगता है। आप आधे घंटे में बहुत सारी प्लेट्स बना के निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़ी प्लेट्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 5 से 6 मिनट के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें कट लगा देंगे। और इसके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ, इसी के साथ खाई जाने वाली जो अधिकतर गुजरात में मिलती है वो चटनी हम बनाने वाले हैं।
तो हम लोग चटनी की तैयारी करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो चटनी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितने सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मुलायम ढोकला बना है। तो सुरती इडड़ा आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं इसकी चटनी की तैयारी। तो यहाँ चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और जो हमने इडड़े तैयार किए हैं बना के, जो ढोकला बना के तैयार किए हैं वो भी इसमें जाएंगे, और साथ में जाएगा नींबू का रस। और अगर आप स्वीट चटनी पसंद करते हैं, हालांकि गुजरात में चटनी मीठी मिलती है, तो आप इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। अगर आप शक्कर कम पसंद करते हैं आप तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है फ्रेंड्स, इसे आप इसके साथ ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल बाजार जैसा नाश्ता आपका लगेगा, जो गुजरात में मिलता है, जो गुजरात की गलियों में आपको ये ढोकले मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट, वैसा ही फ्लेवर आपको अपने घर पे मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स चटनी बिल्कुल बन के तैयार है, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ लगाएंगे हम ढोकलों को तड़का। तो 2 से 3 टीस्पून मैं तेल ले लूँगी, और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे राई के दाने और कुछ कड़ी पत्ते इसमें जाएंगे। और इस तरीके को हम तैयार ढोकला जो हमने बनाया है अभी, इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे सुरती फेमस इडड़ा, जो कि गुजरात की फेमस रेसिपी है। अगर आपने अपने घर पे नहीं ट्राई किया है तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। इजी सिंपल मेज़रमेंट, बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया है, बहुत ही अच्छे ढोकले आपके घर में बनके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।